नमस्कार मित्रों, आज वो ऐतिहासिक दिन है जब मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सूट-बूट की सरकार, धन्ना सेठों की हिमायती सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी काले कानून को निरस्त करने के लिए पंजाब की सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने किसान समर्थक कानून सर्वसम्मति से पारित किया। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सक्षम कानूनविद श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी, और साथ है पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल जी। मैं पहले आग्रह करूंगा अभिषेक मनु सिंघवी जी से कि वो पहले कानून की पेचीदगियों को आपको बताएं, और उसके बाद फिर आदरणीय बादल साहब हमें बताएंगे कि वहां विधानसभा में क्या हुआ। ओवर टू यू सिंघवी साहब। थोड़ा लेट है, लेकिन इसलिए क्योंकि ऐतिहासिक दिवस है, जैसा कहा झा जी ने। लेकिन ये ऐतिहासिक है सकारात्मक रूप से। अभी अभी मेरे कॉलीग बादल साहब आए हैं वहीं से, असेंबली से, ये चार बिल्स, ऐतिहासिक बिल्स पास करके। और ये सकारात्मक रूप से ऐतिहासिक है क्योंकि कांग्रेस ने दिखाया है कि कैसे जीता जाता है दिल। किसानों को समृद्धि दिलाएगा ये नया, या ये नए कृषि के बिल। एक और ऐतिहासिक दिवस था, 17 सितंबर और 20 सितंबर को, अहंकार से चूर, जिद की राजनीति दिखाते हुए, गणतंत्र के सारे, संसद के हर सिद्धांत का खून करते हुए, दूसरे केंद्र सरकार वाले 3 बिल्स पारित किए थे। वो भी ऐतिहासिक था नकारात्मक रूप से। आज सकारात्मक रूप से किस प्रकार से हम किसानों की समृद्धि के लिए अभियान आगे ले जा सकते हैं, उसका उदाहरण है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जी ऐतिहासिक है, जैसे कि वो नकारात्मक रूप से ऐतिहासिक था। और मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा आपको बहुत संक्षिप्त में इसकी सीक्वेंस बता के। जब हम मुखातिब हुए थे आपसे इसी पोडियम से, मैंने ही प्रेस ब्रीफिंग ली थी 20 तारीख को, तो हमने इसके 5 या 6 बिंदु रखे थे आपके सामने। एक बिंदु था कि जब एमएसपी को आप, जो बीजेपी फरेब से, हिपोक्रेसी से बार बार कह रही थी, हम रख रहे हैं लेकिन ऑप्शनल रख रहे हैं, अनिवार्य नहीं है। अगर वो उसको ऑप्शनल रखेंगे, आप, उन्होंने कहा नहीं ऐसा, लेकिन वास्तविकता ये थी, जहां एमएसपी ऑप्शनल होगी तो उसका अस्तित्व क्या है? तो ये एक बिंदु था। दूसरा था कि संघीय ढांचे का तब एकदम हत्या हुई थी। मैंने बताया था आपको कि ये एक ऐसे क्षेत्र है जहां कम से कम 5 या 4 लिस्ट 2 की एंट्रीज हैं, जो पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से अधिकार क्षेत्र प्रदेश का रखती हैं। लिस्ट 2 की एंट्रीज हैं 14, 26, 28 और 67। अचंभे की बात है कि इसके बावजूद केंद्र सरकार इसमें बिल पारित कर रही है, और वो भी एक फ्रॉड द्वारा, एंट्री 33, लिस्ट 3 का दुरुपयोग करके, जो दुर्भाग्यवश हम सिर्फ कानून के बाद कोर्ट कचहरी जा सकते हैं। अधिकार क्षेत्र की कमी है, लेकिन ये भी दर्शाता है कि किस प्रकार से आपने एक शब्द इंटरस्टेट का इस्तेमाल या दुरुपयोग करके, एंट्री 33 का दुरुपयोग करके ये पारित किया था केंद्र स्तर पे। तीसरी बिंदु जो हमने बताया था आपको कि प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि बिहार ने कहीं हद तक ऐसे ही जो बिल पारित किए थे 2006-07 में, उनकी जो आंकड़ों के साथ रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं, वो बताती हैं कि कितनी बुरी हालत है वहां। सस्ते में बिकता है, महंगे में आगे बेचा जाता है, और सब कुछ एमएसपी के नीचे होता है। ये प्रकाशित रिपोर्ट्स मैंने आपको पढ़ी थी बिहार के बारे में। नंबर 4 था कि प्राइस डिस्कवरी जिसको कहते हैं, कीमत को ढूंढने का तरीका एमएसपी का आधार अगर नहीं होगा तो कैसे होगी, ये आपको नहीं बताती है बीजेपी। 5वीं बात थी कि जो मार्केट यार्ड, जिसमें बात होनी चाहिए वृद्धि करने की, उसके क्षेत्रफल की और उसके नंबर्स की, उसको कम करके, सीमित करके, जो मुख्य रूप से मूल बात है सुरक्षा चक्र की, वो सुरक्षा चक्र आप हटा रहे थे इस पूरी चीज से। और आखिरी बात थी कि संसदीय समिति को आपने बार बार कहने के बाद, हमने करीब करीब बैक किया कि आप इसको संसदीय समिति को भेज दीजिए, नहीं माने। इन 6 के बाद आपने जिद की राजनीति और अहंकार की राजनीति में ये पारित किया। उसके पश्चात हम राष्ट्रपति के पास गए, हमने संसद में विरोध किया, हमने अखिल भारतीय स्तर पे अभियान किया, कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व पे प्रदर्शन हुए, लेख लिखे गए, संसद के अंदर, संसद के बाहर,
पंजाब में व्यापक ट्रैक्टर रैली हुई और बाद में कांग्रेस अध्यक्ष के आदेशानुसार मेरा सौभाग्य था कि मैंने एक मजमून बनाया, एक मॉडल बिल जो हमने सुझाव के तौर पे अलग अलग प्रदेशों को सुझावित किया कि जिस प्रकार से वो चाहें अपने हिसाब से अपने विवेक को देखते हुए उसको कार्यान्वित करें। आज ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पंजाब ऐसा पहला प्रदेश है, पहल की है पंजाब ने, भारत का सबसे महत्वपूर्ण कृषक प्रदेश। अब जो एक अवसरवादिता के आधार पर एक तरफ कई पार्टियां और पंजाब में भी ऐसी पार्टियां हैं, शायद उसके बारे में बादल साहब बताएंगे, जो एक तरफ तो गठबंधन में रहे अंत तक और बाद में अवसरवादिता के घड़ियाली आंसू लेकर छोड़ने का ड्रामा करके अभियान चलाया। आज वो जब ये सब कर रहे थे तो बादल साहब की जो सरकार में है यानी श्री अमरिंदर सिंह की सरकार, उसमें ये पारित करने के प्रयत्न किए जा रहे थे जो आज हुआ। हमारे जो सुझाव के बिंदु थे हमारे मजमून में, हमारे मॉडल लॉ में, उसमें भी चार पांच बिंदु थे। एक के एमएसपी न्यूनतम होगा, अनिवार्य होगा, उससे कम कोई करारनामा माना नहीं जाएगा। ये हमने जो मैंने बनवाया था मॉडल ड्राफ्ट बिल उसमें लिखा था पहले प्रथम रूप से। दूसरा कि ऐसे सब प्रस्ताव जो बनेंगे कानून प्रदेश के स्तर पे वो ओवरराइड करेंगे, वो सब बाकी कानून के ऊपर रहेंगे, जिसको हम कानूनी रूप से नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज कहते हैं। तीसरा, प्रदेश को वो हर अधिकार क्षेत्र होगा कि वो उसको बंदिश कर सके, रेगुलेट कर सके, स्टॉक्स को देख सके इत्यादि इत्यादि, उसके अधिकार क्षेत्र के ऊपर सीधा एक मैंडेट होगा। चौथा कि जो स्थिति थी इस काले केंद्र कानून के पारित होने के पहले सितंबर में, वही यथास्थिति होगी। और बाकी इस प्रकार के हमने कई सुझाव दिए थे बिल में। अब हमें गौरव महसूस होता है कि कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के अभियान के अंतर्गत जो हमने ये प्रस्ताव रखे उसमें पंजाब ने पहल की है। आज चार महत्वपूर्ण एक्ट पारित हुए हैं, चार। संक्षेप में पहले को कह सकते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स संबंधित, दूसरे को कह सकते हैं एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीमेंट्स, तीसरे को कह सकते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, और चौथा बड़ा महत्वपूर्ण है कि सीपीसी के अंदर भी एक संशोधन किया गया है जिसके बारे में मेरे कॉलीग आपको बताएंगे। इससे हासिल सिर्फ ये हुआ है जो महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है, इतनी सरल चीज को जो केंद्र सरकार करने से मनाई कर रही थी वो हुई है। एमएसपी हर करारनामे के लिए बाध्य है, न्यूनतम है, अनिवार्य है, उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते। दूसरा, एमएसपी से खिलवाड़ करोगे तो दंड होगा, पनिशमेंट और दंड के प्रावधान है। तीसरा, आपको जो पुराने अधिकार क्षेत्र थे एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को याचिका डालने की, कंप्लेंट करने की, तो अब आप उसके साथ साथ कोर्ट कचहरी जा सकते हैं। और जो ये सीपीसी में विशेष रूप से चौथा एक्ट प्रादेशिक स्तर पर अमेंड किया है, उसके अंतर्गत कोई कुड़की जमीन की पंजाब के कृषक की 2.5 एकड़ तक नहीं लग सकती अटैचमेंट या रिकवरी प्रोसीडिंग्स में। सो देयरफॉर आई थिंक फ्रेंड्स, वेरी ब्रीफली, इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज व्हाट ए हिस्टोरिक डे टुडे इज। इट इज ए पॉजिटिवली हिस्टोरिक डे बिकॉज देयर इज ए न्यू इंस्पायरिंग एफर्मेशन, एसर्शन एंड अश्योरेंस to the farmer community, at least so far as the laws, as these four laws passed today, will have effect in Punjab. There was earlier a similarly, the central government steeped in ego, steeped in hubris, passed these laws on 17th and 20th in the two houses of parliament, despite prayer, request, opposition, everything possible was done. It was of course a different story, the manner it was passed violated and destroyed every basic principle of parliamentary democracy. We had, in fact, I had the privilege of taking the press conference on the 20th of September when we had highlighted 5 or 6 aspects. One, and the crucial, most crucial one, was that when the MSP, which formerly the BJP, again in a fraudulent projection, said we have not abolished, it was like that half-truth. There is no formal abolition of MSP, that is true.
But to make MSP optional is to destroy it. And the BJP till date has never answered the fraud done to the people by saying, we have not destroyed, we have not repealed MSP, but they don't answer what happens to MSP, what happens to its status when it's optional, when it's not binding, when it's not punishable to violate it. The second point I had made then, the Congress party had made, is that on the face of it, these so-called central laws, the black central laws, violated exclusive legislative competence in the states. I have never seen a subject so heavily covered as in four lists of list two of our constitution. As you know, list two is exclusive competence with the states. 14, 26, 28, and 66. All aspects of agriculture and marketing are covered there. By another fraud and a fudge, the central government misutilized and abused entry 33 of list 3, which deals with interstate trade and commerce, to justify these laws. And that, of course, will be a separate story when the central laws are separately challenged in court. Thirdly, we had pointed out that the Bihar experience from 2006-07, when a similar new regime as by the central laws had been inaugurated more than 12, 13 years ago, the statistical analysis and reports from Bihar showed a very, very negative trend. Procurement was down, buying and selling at a very, very high 85% level was below MSPs. I read you those statistical objective expert reports. The fourth point I had made was that price discovery, the essence of price discovery, is MSP. And once you make that optional, you destroy it. The fifth point we had made was that the whole object was to increase the covered area and the number of agricultural markets. Instead, by reducing their scope and efficacy, the BJP Central Acts were eliminating the Suraksha Chakra, the security cover, which is the safety net for the farmer. And last was, despite our importuning, our begging, they were not referred to a select committee, to a parliamentary standing committee, to any committee. Well, using and misusing brute majority, the acts were, bills were passed as acts. We went to the president under the leadership of the Congress president and the former Congress president. There was an All India campaign. There were tractor rallies. There were demonstrations in and out of parliament. Articles were written. The sitting chief minister of Punjab wrote articles. And I had the privilege under the Congress president's directions to draft a model bill to suggest to different states, of course, on their own understanding, on their own exigencies, on their own unique features, to pass model bills to nullify this central act and to operate to the benefit of farmers in their respective states. We are proud that the Congress governed Punjab, the single most important agricultural state in this country, is the first one to pass four laws today. We regrettably have to point out that while these efforts are being made to pass these laws in Punjab, opportunistic parties in Punjab and out of Punjab were sitting in coalitions with the NDA, enjoying the fruits of that till the end, and then shedding crocodile tears by pretending to leave it and carry a campaign. Our various suggestions in the model draft bill sent, which are the same about MSP being the minimum threshold, no agreement to be valid without an MSP. Acts, these acts, the Model Act now converted into state acts to have overriding effect, regulatory and prohibitory powers of the state government to be enhanced, etc., were the content of the draft model bills sent. And I had the privilege of dealing with them. Today, four historic acts have been passed by Punjab. One can be called in brief the trade and commerce related, all related to agricultural marketing and agricultural produce. But one for short can be called trade and commerce. The second can be called empowerment and protection of agreements. Third, the Essential Commodities Act, state amendments. And the fourth, very interestingly, a CPC amendment, which now does not allow what we call in common parlance kudki, or attachment, for land holdings below 2.5 acres.
what Punjab has achieved today, most importantly, is a minimal mandatory MSP, not fudging with words and semantics. What it has achieved is punishable violations of MSPs if you try to get around it by subterfuge. What it has achieved is additional remedies to civil courts in addition to the remedies with SDMs and DMs. And therefore, I think it's a proud day. We had to call you at this late hour because Punjab Assembly has just a while ago finished its job. And now the finance minister of Punjab will tell you also about the intra-Punjab procedure and what happened. I'm very thankful. Thank you. Shukriya ji. सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट एंड खास करके माय फ्रेंड मिस्टर सिंघवी जो कि ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स बहुत बड़े कानूनदान हैं. एक तो सिंघवी साहब होता है कि रस्मी तौर पे आपका धन्यवाद कह रहा हूँ, एक मैं दिली तौर पे कह रहा हूँ कि आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया दैट जो आज हमने असेंबली में चार बिल पास किए हैं, तो अगर आप हमारा इसमें सहारा या किनारा ना बनते तो हो सकता है कि ये शायद ये ऐतिहासिक दिन आज हमारे पे नुमाया ना होता. तो वैसे तो आपने अच्छी तरह यू कवर्ड मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द बिल, बट फिर भी अगर मैं देसी जुबान में बताऊं कि व्हाट पंजाब हैज डन इज कि जो स्टेटस को था बिफोर बीजेपी अपने ये जो बिल लाई, वी हैव एक्चुअली रिस्टोर्ड दैट स्टेटस को. और उसमें अगर नुमाया बातें तो सिर्फ यही हैं कि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई भी कारोबारी, कोई भी कॉरपोरेट पंजाब की सरजमी पे आके एक तो लाइसेंस के बिना, विदाउट रेगुलेशन, विदाउट अप्लाइंग फॉर अ लाइसेंस, वो कारोबार या व्यापार नहीं कर सकता. तो एक तो उसमें नुमाया बात यह है. दूसरा है कि कोई भी आदमी या कोई कॉरपोरेट या कोई ट्रेडर पंजाब में अगर किसान से कोई भी फसल खरीदेगा तो एमएसपी से अगर नीचे खरीदेगा तो उसका उसका एक जुर्माना और एक उसका क्रिमिनल ऑफेंस है जिसकी 3 साल की कैद रखी गई है. चौथा ये भी है कि हमें ये भी डर था क्योंकि जैसे साहब ने बताया कि पंजाब इज वन ऑफ द एग्री पावर हाउसेज ऑफ इंडिया. आप आपको सुनने वालों को शायद पता नहीं होगा कि पंजाब का जो टोटल लैंड मास है, वी आर ओनली 1.5% ऑफ द टोटल लैंड मास ऑफ इंडिया, येट वी प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 38% ऑफ इंडियाज फूड स्टॉक्स. सो पंजाब हैज ओवर द सेंचुरीज यू नो प्लेड a unique role in the Indian in the history of the Indian subcontinent, a role which is completely disproportionate to our size and population. To jab se ye naye bill aaye the agriculture ke khas karke, to yahan badi mayusi thi logon mein, jo yahan jo radde amal aaya tha Punjab mein wo bahut shadid tha. Aur is bill ke aane se aur ye jo aaj char bill aaye hain, इनसे एक किस्म का लोगों ने देयर इज अ सेंस ऑफ रिलीफ. नंबर वन, इन अ फ्यू एक्सक्यूज मी सर, एक अगर मैं एक है तो गुमनाम बट एक बड़ा हमारे पंजाब के एक शायर हुए हैं, तो वो उन्होंने लिखा कि फलक को जहां जिद है, फलक आसमान को बोलते हैं, फलक को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी आदत है वहीं आशियाना बनाने की. क्या बात है, क्या बात. और ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ. अगर कई तो आपके जो सुन रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद उनकी तो उम्र बहुत छोटी होगी, जो देश के दुश्मन थे उन्होंने पंजाब देश को, हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए पंजाब में एक ऐसा इंतजार फैला और ऐसा लग रहा था कि कभी अमन नहीं आएगा पंजाब में. तो उस टाइम भी सरदार बेअंत सिंह और कांग्रेस पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन थी. अगर अमन आया तो कांग्रेस पार्टी की वजह से आया. फिर 2004 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला SYL पे, वो भी पंजाब के विपरीत आ गया था और बाजी हारी हुई थी, बिगड़ी हुई बात थी.
तो उस टाइम भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसने ये बिगड़ी हुई बात जो है फिर से हमारी बनाई। इस और 2017 में जब सरकार आई और 10 साल अकाली दल बीजेपी की यहाँ इक्तदार में रही, तो यहाँ गैंगस्टरिज्म का एक दौर चल पड़ा था, और ये जो गैंगस्टरिज्म का दौर है ये भी कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने खत्म किया। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज ये जो एग्रीकल्चर का जो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था वो भी हमने एक किस्म से रिवर्स कर दिया। हालांकि वो बोलते हैं परमात्मा और का और अहंकार का बैर पड़ जाता, तो मैं बड़े बोल नहीं बोलना चाहता। आई थिंक द फाइट हैज जस्ट बिगन। इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रद्द अमल आएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे, ये तो अलग बात है। बट मैं प्रेस को एक चीज जरूर कहनी चाहता हूं कि कौमों के मिजाज होते हैं, और कई कौमें ऐसी होती हैं जो कभी भी हार मानने वाली कौमें नहीं होती। और पंजाब जो है हमें हमारी अकल दंग थी, हमारी अकल से बालातर था कि बीजेपी सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, इसकी वजह क्या थी। आज जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 107 में से 94 नंबर पे है। ये जो टाइम टेस्टेड सिस्टम है जिसने भारत को ना केवल खुद कफील किया इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन बल्कि सरप्लस में लेके आए। और मैं ये बताता चलूं कि आप अगर इस सिस्टम से टिंकर करेंगे, इंडिया की पॉपुलेशन इज 1.3 बिलियन पीपल, गॉड फॉरबिड देयर इज अ हार्वेस्ट फेलियर इन पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इवन इफ यू हैड मनी इन योर पॉकेट देयर आर नॉट इनफ फूड स्टॉक्स फ्लोटिंग अराउंड इन द वर्ल्ड टू बी एबल टू फीड 1.3 बिलियन पीपल। सो जो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेसिकली शॉर्ट ऑफ मनी। FCI हैज अबाउट 6 लाख करोड़ ऑन इट्स डेट ऑन इट्स बुक्स। फॉर द लास्ट 6 years दे हैव प्रोबेबली नॉट गिवन फूड सब्सिडी टू FCI। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ दिस PDS सिस्टम। बट हमारा तो पंजाब का तो यही मुतालबा है कि देखो कितना है, 5 किलो अनाज मिलता है जी एक एक आदमी को जो खते गुर्बत से नीचे हो। और अगर 5 किलो अगर आप गेहूं भी देते हैं तो कितने का, 1800 की MSP या 2 रुपए कैरिंग कॉस्ट लगा दो, 20 रुपए किलो, तो 5 किलो देना है महीने का, उसका मतलब 100 रुपया। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 रुपया भी एक इंडियन सिटीजन को नहीं दे सकती जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो मुझे नहीं लगता उसको गवर्नमेंट कहलाने का कोई अधिकार है। सो और जो साहब ने बताया 3 बिल और जो चौथा जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट जो पंजाब में लेके आए हैं, तो उसमें बेसिकली वी वॉक्ड अ वेरी फाइन लाइन। उसमें हमने कहा है कि किसी भी किसान अगर कोई लोन लेता है, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है, बैंक से है, कोऑपरेटिव बैंक से है, इन केस ही इज अनेबल टू पे, अगर वो दे अपना कर्ज वापस नहीं कर सकता, तो वो तो है कि उसकी जमीन जो है उसकी कुर्की होती है। बट पंजाब ने किया है कि अगर किसी के पास 10 एकड़ है तो 2.5 एकड़ जो है वो कोई बैंक उसकी वापस नहीं ले सकता। 2.5 एकड़ इज द मिनिमम। हम पहले 5 एकड़ का सोच रहे थे, बट हमें फिर जो एडवाइस मिली कि देन किसान विल नॉट बी एबल टू एक्सेस बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन, and then he will be probably be at the mercy of money lenders. But I think Punjab is probably the first state jinhone ye 2.5 acre ki ye minimum jo hai wo state ke paas rehna chahiye. So mujhe is baat ki aaj bahut khushi hai ki Punjab is first of the block. Aur jo saab bata rahe the ki government of india ke officers aur ministers ye hamesha wo bharosa dete hain ki MSP will continue, ये ऐसे ही चलेगा। मेरे से बड़ी कोई जिंदा मिसाल आज प्रेस के सामने नहीं हो सकती कि मैं GST काउंसिल का मेंबर हूं अपनी हैसियत से एज फाइनेंस मिनिस्टर, और हमें तभी भी ये अश्योरेंसेस दी गई थी कि GST कॉम्पनसेशन आपको अगर आपके रेवेन्यू कलेक्शन में कोई कमी पड़ गई तो
तो हम जीएसटी कॉम्पनसेट आपको कर दिया करेंगे। हमें इस बात का यकीन नहीं था, तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी गई, यू नो दिस इज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ दिस कॉम्पनसेशन एक्ट, एंड वी वर टोल्ड दैट यू नो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने बीत गए, हालांकि हर 2 महीने बाद इसकी वी स्क्वायर ऑफ बुक्स, 6 महीने बीत गए हैं। पंजाब, अ स्मॉल स्टेट लाइक पंजाब, वी आर ओड 9,000 crores, इट इज 1.5 billion US dollars। हम अपनी हम स्कूल बंद कर दें, हम जेलों के दरवाजे खोल दें, अपनी नहरें बंद कर दें, अस्पताल बंद कर दें, ये स्टेट कैसे चलेगा? सो जो आज प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स कोई ये विश्वास आश्वासन दे रहे हैं कि MSP विल कंटिन्यू एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, ये बेमायने है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज नहीं फुलफिल हो रही, तो ये जो पार्लियामेंट में कोई बयान है उस पर तो हमारा कोई विश्वास नहीं है। बहरहाल मैं थोड़ी बात लंबी ले गया, इसलिए इसकी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर। सॉरी, यस, आई एम अनम्यूटेड। थैंक यू बादल साहब, विल टेक क्वेश्चंस। मैं प्रशांत, यू नीड टू अनम्यूट सिंघवी साहब, ही इज अनेबल टू अनम्यूट हिमसेल्फ। जी सर, हाँ, मैं आग्रह करूंगा कि अपने प्रश्न पूछें और प्रयास करें कि इन्हीं मुद्दों पे। पहला प्रश्न पीटीआई से संजीव जी पूछना चाहते थे। संजीव जी, प्लीज गो अहेड। थैंक यू प्रणव जी। नमस्कार सिंघवी साहब, नमस्कार बादल साहब। Today, the Punjab has passed these 4 bills, and the bills will now be sent to the governor for becoming an act. Now, you know, I just wanted to know whether these bills will become a law finally, because since they are against the central laws, and in that case, since you know, if there is a clash between the central and the state laws, the bills are referred to the president under Article 200 and 201 of the Constitution. So I just wanted to know whether these bills will finally become a law, or it will land up in the court, or finally, as you said, you know, this may, the fight has just begun. So can you clarify on this? Am I audible? Yeah. Can you hear me? Yeah. Okay, so I think, which is very encouraging, that out of the 117 MLAs that we have in Punjab, only 2 are from the BJP, and they did not attend. But 115 MLAs of Punjab, we actually drove to the governor's residence. We met him in person, physically met him, and we have urged him very, very strongly ki ye Punjab ke logon ke jazbaat hain, ye Punjab ke logon ke ehsaasat hain, और ये आप इस बिल पे दस्तखत कर दें। He has assured us of his highest considerations. संजीव, आप तो चंडीगढ़ में रहे हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि पंजाब में बीजेपी सरकार के खिलाफ किस किस्म का रोष है। मैं, यू नो, आई कांट पुट इट इन वर्ड्स, बट पीपल आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एंग्री कि दे हैव लेट डाउन द किसान, जो वो सरकार बोलते थे कि वी विल डबल द फार्मर्स इनकम, वो तो बहुत दूर की बात है, बट दे हैव रियली लेट डाउन द फार्मर्स। और एक संजीव, पंजाब में एक और चिंता है, और वो चिंता है कि आज अगर आप लद्दाख में जाएं, जहां हमारे बच्चे बैठे हैं, और वो पहाड़ों पे और तेज और तुंद हवाओं के सामने बैठे हैं, अगर आप बच्चों से पूछें, चाहे वो बच्चे फौज में हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश के हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे मद्रास से हैं, चाहे हरियाणा से हैं, दरअसल वो बच्चे किसानों के, और वो बच्चों के, वो बोल तो नहीं सकते, बट उनके दिल में क्या कि हमारे माँ बाप जो हैं, उनके साथ क्या गुजर रही होगी। दूसरा, मैं ये भी आपको बताता चलूं कि फॉर अ बॉर्डर स्टेट लाइक पंजाब, देश के जो दुश्मन हैं, जो हमारे देश के खैर ख्वाह नहीं है, उनको एक मौका मिल जाता है जब इस किस्म का इंतशार होता है। तो इसकी वजह
इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई. अगर ये बिल पास भी करने थे तो बिल में अगर लिख भी देते कि ये जो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है ये चलती रहेगी, एक लाइन लिखने से अगर ये काम बनता हो, इनकेस दे आर नॉट, नो मैं किसी का दिल तो नहीं जानता कि दिल के अंदर क्या है, बट माय ओन फीलिंग इज कि बिकॉज एफसीआई हैज नॉच्ड अप अ डेट ऑफ 6 लाख करोड़, दे आर अनेबल टू सर्व दिस फूड सब्सिडी एंड गवर्नमेंट इज प्रॉब्ली ट्राइंग टू यू नो कम आउट ऑफ इट. Sanjeev, only one thing to be added to what you said. As a matter of fact, can you hear me, Sanjeev? Yes, sir. Yes, sir. I think in one sense, the Honorable Prime Minister and the BJP should thank the Punjab government because they have given the BJP and the central leadership of BJP another chance, another opportunity to rectify the historic blunder which they did in September. This act which has been passed by Punjab, yes, under the constitution, it may require, it would require presidential assent. But not to allow presidential assent to be given would be to compound the felony as far as the central BJP leadership is concerned. It will expose them more. This is an opportunity to rectify when you did not do it because of ego by referring to a select committee, when you still insisted on passing it, when you did not listen, when you went to the president. Well, this is yet another opportunity. But yes, if you do not take the opportunity, you will be forever blamed for being completely insensitive to each and every simple legitimate demand of those who feed us. Thank you. We'll move to the next question. Siddharth from ANI. Siddharth. नमस्कार सर. मैं मेरा सिंघवी सर से यही सवाल था, हिंदी में भी मैं जानना चाहूंगा मैं, कि क्या जो आज ये बिल पास किए गए हैं गवर्नर के पास जाएंगे तो क्या ये कोर्ट में या केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के बीच की रस्सा कशी में अटक के रहने की कोई गुंजाइश है, क्योंकि आप कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूंगा, ताकि जो आम लोग हैं, जो जिनके लिए जो पंजाब के लोग हैं, जो देश के और किसान हैं, जो आज कानून पास किए गए हैं, उनको ये समझ आ सके कि कहीं ये अटक के तो नहीं रह जाएंगे कहीं. देखिए ऐसा है, आपका प्रश्न पूछा जाना चाहिए बीजेपी से, केंद्र सरकार से, ये आप उनके हाथ में है अटकेंगे कि नहीं. ये आज उनके हाथ में है कि वो एक नैतिक मूल्यों के आधार पर सही करेंगे या अहंकार और जिद की राजनीति में अटके रहेंगे. इसके कारण है दो तीन. अनुच्छेद 254 के अंतर्गत ये राष्ट्रपति के सहमति के लिए गवर्नर रेफर कर सकते हैं. लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरा मानना है कि पंजाब ने एक बहुत सुनहरा अवसर दिया है वापस मोदी जी और उनकी सरकार को, कि जो उन्होंने जबरदस्त बहुत महान ब्लंडर किया था सितंबर 17 और 20 को, उसको आज ठीक करें. ये एक अवसर है उनके लिए, अगर अहंकार और जिद छोड़ दे तो. और अगर वो नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वो अपना चाल चरित्र और चेहरा दर्शा रहे हैं और कृषक की तरफ बिल्कुल जो इनसेंसिटिविटी दर्शा रहे हैं वो पूरा देश देखेगा. सर इससे जुड़ा सवाल ही पूछना चाह रहा हूँ कि आज आपने पंजाब से एक नजीर जो है कांग्रेस ने अपना मॉडल कहे, मैं तो उसको इस तरीके से समझना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस ने एक वैकल्पिक व्यवस्था या यूं कहें कि एक वैकल्पिक एक ऑप्शन तैयार करके किसानों को राहत देने की पहल करी है. तो क्या जो और गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकारें हैं या और पार्टियां हैं जहां पर, वहां पर भी क्या पहल होगी होनी चाहिए, और क्या आप लोग भी अपनी जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, लाइक माइंडेड स्टेट्स हैं जहां पर लाइक माइंडेड पार्टीज रूल करती हैं, उनको भी आप अपील करेंगे कि इस तरीके के लॉस को इस तरीके से अमेंड. तो मुझे दो दिन पहले सीएम राजस्थान का भी फोन आया था कि जो आपने कोई मॉडल एक्ट या जो पंजाब में आप कानून साजी कर रहे हैं तो उसकी कॉपी हमें भी दे दें. मुझे एफएम तेलंगाना का भी फोन आया था कि
कि आप जो आप लॉ बनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ से भी आया था, उसकी वजह यह है कि हालांकि पंजाब इज अ वेरी स्मॉल स्टेट, बट एग्रीकल्चर में जब पंजाब बोलता है तो इंडिया उसकी बात सुनती है. तो मुझे उम्मीद है, आस है कि जो पंजाब ने पहलकदमी करी है तो लोग जो हैं और जो दूसरे स्टेट्स, आई एम श्योर इवन बीजेपी स्टेट, वो हो सकता है कि पार्टी डिसिप्लिन में तो शायद ना बोल सके, बट आई एम श्योर दे विल ट्राई एंड रिगल आउट ऑफ दिस. एंड एज सिंघवी साहब हैज सेड कि एक देर इज अ विंडो फॉर इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेक्टिफाई देयर हिस्टोरिक मिस्टेक. ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो कानून था ये भेजा गया है कई जगहों पे, और वो अपने अपनी स्थितियों के अनुसार कोई भी प्रदेश उठा सकता है. बीजेपी ये भूल रही है कि कई पार्टीज एनडीए की थी, कई, जिन्होंने इसका विरोध किया था. बीजेडी ने तो एक बार समर्थन करके दूसरे हाउस में विरोध किया था. तो इसके ऊपर जो आक्रोश है वो सिर्फ नॉन एनडीए पार्टीज का नहीं है, और इसलिए ये बिल्कुल संभव है कि पश्चिम बंगाल से लेके महाराष्ट्र और उत्तर से लेके दक्षिण तक तमिलनाडु, इसके ऊपर बहुत सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं. मेरे को भी फोन आए हैं, एडवोकेट जनरल राजस्थान ने बात की है मेरे से इसी विषय में जो बादल साहब ने कहा, और ये अभियान जो पंजाब ने शुरू किया है सार्थक रूप से, प्रमाणित रूप से एक पारित करके, मैं समझता हूं कि बीजेपी इसको अखिल भारतीय स्तर पे कई और जगहों पे प्रादुर्भाव देखेगी इसका. जी सर, आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहता था कि परसों ही हिंदी के एक प्रमुख अखबार में एक खबर थी कि मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शन में वहां के जो मुख्यमंत्री हैं और मंत्रीगण हैं शिवराज जी और उनके सहयोगी, कोई भी जो है इन कानूनों की बड़ाई नहीं कर रहा, कोई इन कानून के एवज में वोट नहीं मांग रहा है, तो जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं लोग इसे नापसंद कर रहे हैं, तभी इसकी चर्चा नहीं हो रही चुनाव में. मैं अगला सवाल लेता हूं. राकेश कपूर जी पूछिए सवाल. जी, मेरा सवाल मनप्रीत जी से है. मनप्रीत जी ने एक बहुत बढ़िया शेर सुनाया, तो मैं गालिब का शेर उन्हें सुनाता हूँ कि खुशी क्या खेत पर मेरे अगर 100 बार अब्राए, समझता हूँ कि ढूंढे है अभी से बर्क खिरमन को. आप उर्दू दा हैं, आप इसका मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे. तो पंजाब ने जो ये रास्ता दिखाया है, अब ये सवाल जो है वो सिंघवी साहब और मनप्रीत जी दोनों से है कि पंजाब ने जो ये एक विकल्प दिया है, जो ये एक खेत कृषि को लेकर के विकल्प दिया है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अंग्रेजों के शासन के दौरान जमींदारी प्रथा को उन्मूलन का 1937 से जो उत्तर प्रदेश से जब जिसको सेंट्रल प्रोविंस कहते थे वहां से शुरुआत की. क्या ये फार्मूला, क्या ये नया विकल्प पूरे देश के सभी राज्यों में इस प्रकार से लागू किया जा सकता है कि केंद्र सरकार के कानून एक तरफ और ये कानून दूसरी तरफ, इससे एक एक नया विवाद, राजनीतिक विवाद पैदा होने की बहुत बड़ी संभावना. जी, मेरा सवाल पूरा हुआ. सिंघवी जी, देखिए ऐसा है, ये एक अखिल भारतीय स्तर पे अप्रासंगिक या एक जनरल रूप से कोई रूल बनाना कि जब भी केंद्र सरकार कोई कानून पास करेगा तो प्रदेश सरकार बाध्य हो जाती है या तत्पर हो जाती है एक दूसरा कानून पास करने की, ये गलत तरीका होगा इस मुद्दे को देखने का. इसके 2-3 कारण हैं. पहली बात तो कोई आप ऐसा ब्लंडर करेंगे जिसको मैं ब्लंडर समझता हूं, जहां तक कृषि का क्षेत्र है तो निश्चित रूप से ये आक्रोश और ऐसा रिएक्शन लाजमी है. दूसरा कंडीशन कि ये तब होता है जब अधिकतर रूप से, मैं तो कहूंगा 90% रूप से, ये जो विषय है जिसकी आप बात कर रहे हैं ये प्रादेशिक विषय है. हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से. आपने एक फ्रॉड करके, आपने एक बहाना बना के, आपने एक आडंबर करके इसमें एक केंद्रीय कानून पास कर दिया अपनी जिद लागू करने के लिए. इसके 90% या 80% जो भी एंट्रीज है वो लिस्ट 2 में है. तो अगर कोई दूसरा ऐसा कानून है जो कि पूरी रूप से केंद्र लिस्ट में है या लिस्ट 3 में है, तो निश्चित रूप से ऐसी संभावना नहीं होगी. लेकिन अगर आप इस प्रकार की
हनन करेंगे संघीय ढांचा की, तो निश्चित रूप से आक्रोश होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कृषि के रूप विषय में ऐसा करना, अगर और क्षेत्र में मैं नहीं कह सकता क्योंकि कोई आम रूल नहीं है, लेकिन कृषि के रूप में ऐसा करना निश्चित रूप से लाजमी है, ऐसा आक्रोश, ऐसा रिएक्शन। Yeah, I just want to understand one thing from Dr. Singhvi, that you are talking about list 2 and list 3. So on both of these aspects, can it be challenged in Supreme Court? Or so now you have to get some conceptual clarity here, because challenge can be on the list 2, list 3 issue to the central laws. Because one valid ground, I mean, obviously the courts decide, I'm not a judge, I'm not a court, neither are you nor is the BJP. But a very strong argument arises then that when the issue is covered so heavily in list 2 by 4 entries, how could the central government have passed the law at all? Now, since that law has become a fait accompli, it is assented by the president and passed by parliament. Therefore, it is law. Therefore, it can only be set aside by a court invalidation, which takes time in the ripeness of the future. As far as the state laws are concerned, they are overriding laws, which have declared the intent of the state legislature that the law should be this and not the law passed by those acts. Now, obviously, there will be a skirmish, but that will not be a court skirmish at this stage. It would be a skirmish more relating to presidential assent given or not given. That's the difference. Okay, sir. Meenakshi is the next one. Sanmarg se Meenakshi ji, please go ahead. Meenakshi ji, are you there? In fact, she's left a question, sir. She asks, this is addressed to Badal Saab. She's asking, did you contact or refer your staff of farmers bill to? She's specifically asking, ki kisi kya Paschim Bengal sarkar mein bhi aapne jo kanun banaya hai, aapne jo kanun ikhtiyar kiya hai, kya uske baare mein zikr kiya, kisi ne sampark kiya aapse? I have been regularly in touch with the Honorable Finance Minister West Bengal, Dr. Amit Mitra, but on GST issues, not on the agriculture issues. But if asked, and I'll be very happy to share anything and everything with West Bengal. Jeez, thank you. I think we've finished with the questions. Aur to koi sawal nahi hai, Vinay ji? तो इनके रिपोर्टिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है। जी, जी, जी सर, let us on that note sir, let's wind up. I hope that all other opposition states take up the bill and they come out to the rescue of the farmers. On that note, like to thank you both, Singhvi Saab and Badal Saab and all our friends from the press. Thank you very much. Singhvi Saab, I look forward to seeing you when I'm in Delhi next. You must actually. It's been a long time and we've missed you. Please let me know a little bit in advance. It'll be a pleasure and a privilege. Thank you, sir. Thank you. All the best, sir. You take care. Thank you. Thank you, everyone.